हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये लुक शेयर करने वाली हूँ फेसेस कनाडा वेटलेस मैट फिनिश फाउंडेशन की हेल्प से। आप देख सकते हैं इस लुक को। सो गाइस, आज मैं इस वीडियो में इसका रिव्यू भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। सो गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल बटन को भी हिट कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले अपने क्लीन फेस पर मैं नेचुरल ग्लो का टोनर अप्लाई कर रही हूँ। आप सभी को पता है कि टोनर हमारे फेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये हमारे ओपन पोर्स को श्रिंक करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। देन उसके बाद लिप्स को हाइड्रेट करने के लिए मैं लैक्मे का लिप बाम अप्लाई कर रही हूँ अपने लिप्स पर। देन उसके बाद अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए मैं बेबी जॉनसन्स की क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। ये समर्स में ऑयली स्किन वालों के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है एंड आपके फेस पर ये स्वेट बिल्कुल भी नहीं आने देता। देन उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पर NYBay का ये प्राइमर। ये काफ़ी अच्छा प्राइमर है। ये आपके फेस से ओपन पोर जितने भी हैं उनको ब्लर कर देगा एंड आपके फेस पर एक अच्छा बेस देने में हेल्प करेगा। सो गाइज, ये मैंने अपने टी जोन एरिया पर अप्लाई कर लिया है अच्छे तरीके से ताकि मेरे ओपन पोर्स श्रिंक हो जाएं। देन उसके बाद ये फेसेस कनाडा का वेटलेस मैट फिनिश फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। तो गाइज़ देख सकते हैं इसका शेड मेरी स्किन टोन से मैच नहीं कर रहा है। गाइज़ ये काफ़ी लो टू मीडियम कवरेज फाउंडेशन है। ये अच्छी कवरेज उतनी नहीं देता बट एवरीडे में आप यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अफोर्डेबल है, बिगनर्स चाहें तो इसे ले सकते हैं। सो गाइज़, ये डॉट डॉट करके मैंने अपने फेस पर लगा लिया है। देन उसके बाद इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं ब्लेंड कर लूँगी। गाइज़ इस फाउंडेशन में एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने अपने फेस पर अच्छे से मॉइस्चराइजर अप्लाई नहीं किया है तो ये ब्लेंड नहीं होगा। देन इतनी कवरेज नहीं मिली है इसलिए मैं सेकंड टाइम इसको अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पर, सेकंड पंप लेकर डॉट डॉट कर जहाँ भी मुझे अपने फेस पर हाईलाइट एरिया चाहिए मैं वहाँ पर अप्लाई कर ले रही हूँ अच्छे तरीके से, आप देख सकते हैं। देन उसके बाद सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी, अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी ताकि कहीं भी पैचिनेस ना रहे। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने अच्छे तरीके से अप्लाई कर लिया। देन उसके बाद NYBay का कंसीलर अपने डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए, पिगमेंटेशन को हाइड करने के लिए अप्लाई कर रही हूँ और अपने नोज़ की ब्रिज एरिया, अपनी नोज़ पर अप्लाई कर रही हूँ, अपने चिन पर जहाँ भी मुझे थोड़ा सा हाईलाइटिंग पार्ट चाहिए तो वहाँ मैंने अप्लाई कर लिया। तो देख सकते हैं NYBay का कंसीलर काफ़ी अच्छा और अफोर्डेबल कंसीलर है। कितने अच्छे तरीके से इसने मेरे डार्क सर्कल्स को हाइड कर दिया है। देन उसके बाद अपने फेस को सेट करने के लिए ये फिटमी का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ मैं ताकि कहीं भी हार्श क्रीज और स्वेट ना आए, पैचनेस ना रह जाए, इसलिए मैं अच्छे से फेस को सेट कर ले रही हूँ। देन उसके बाद बारी आती है आईब्रोज की। तो गाइस, सबसे पहले स्पूली की हेल्प से कॉम्ब करने के बाद मैं यहाँ पर मैक का आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ अच्छे तरीके से अपने आईब्रोज को फिल करने के लिए। देन उसके बाद स्पूली की हेल्प से मैं इसको कॉम्ब कर ले रही हूँ ताकि जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो मिक्स हो जाए। देन उसके बाद CVV का ये 12 आई शेडो पैलेट अप्लाई कर रही हूँ। इसमें से एक लाइट शेड लेके एज अ ट्रांजिशन शेड अप्लाई कर रही हूँ मैं अपने आई के क्रीज एरिया पर। आप देख सकते हैं काफ़ी लाइट शेड है ये, तो इससे मैं एक ट्रांजिशन शेड क्रिएट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा काफ़ी लाइट है ये। गाइज, ये जो CVV का पैलेट है ये मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। इसके जितने भी आई शेडोज़ हैं वो काफ़ी पिगमेंटेड हैं एंड शिमरी और मैट दोनों मिल रहे हैं आपको इसके अंदर। देन उसके बाद एक ग्रे शेड लेकर, ग्रे ब्लैक शेड है शायद, लेकर मैं अपने आउटर वी पर प्लेस कर रही हूँ। देन इनर वी पर प्लेस कर रही हूँ आईज़ के, ताकि थोड़ी सी ना आईज़ को डेप्थ मिल जाए। और उसके बाद मैं सारे कलर्स को अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ एक ब्रश की हेल्प से, आप देख सकते हैं। तो आपको आईज़ में हल्का सा डेप्थ दिख रहा होगा, सेम एज मैं दूसरी वाली आई में भी ऐसे ही कर ले रही हूँ, कलर को आउटर वी पर प्लेस कर ले रही हूँ देन इनर वी पर प्लेस कर रही हूँ अच्छे तरीके से, आप देख सकते हैं। तो दोनों में मैंने कर लिया है। देन उसके बाद दोनों को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। आई शेडो तभी दिखता है जब आप अच्छे से ब्लेंड कर लें। देन उसके बाद सेम कलर को अपनी वाटर लाइन पर स्मच कर लेना है दोनों आईज़ पर। तो देख सकते हैं दोनों आईज़ की वाटर लाइन पर कर लिया है। देन उसके बाद मैंने ये ग्लैम 21 का शिमरी आई शेडो पैलेट लिया है, इसमें से एक पिंक शेड ले रही हूँ मैं। और उसके बाद मैं अपनी सेंटर ऑफ द लिड आई की जो है उस पर अप्लाई कर ले ताकि थोड़ा सा ड्रेस का मैचिंग हो जाए ये शेड। तो आप देख सकते हैं हल्का पिंकिश सा शेड है, तो ये फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं इस पर अप्लाई कर ले रही हूँ एंड देन ब्लेंड कर ले रही हूँ अच्छे तरीके से। आपको दिख रहा होगा कि मैंने अप्लाई कर लिया है। देन उसके बाद एक क्लीन ब्रश की हेल्प से मैं सभी को ब्लेंड कर ले रही हूँ अच्छे तरीके से। देन उसके बाद एक शिमरी पिंक शेड लेकर सेंटर अपनी
आईलिड पर अप्लाई कर ले रही हूँ, प्लेस कर ले रही हूँ ताकि हल्का सा शाइन आ जाए। तो देख सकते हैं मैंने दोनों अपनी आईलिड पर इसको अप्लाई कर लिया है बिल्कुल अच्छे तरीके से। देन उसके बाद मैक के काजल को मैं अपनी वाटर लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ। काजल हमारी आईज़ को बड़ा बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, इससे एक अच्छा सा इंडियन टच आ जाता है आँखों में। तो आप देख सकते हैं ये मैंने मैक का काजल अप्लाई कर लिया है अपनी वाटर लाइन पर बिल्कुल अच्छे तरीके से, दोनों वाटर लाइन में। देन उसके बाद सेम ग्रे आई शेडो लेकर अब मैं अपनी वाटर लाइन को स्मच करूँगी अच्छे तरीके से धीरे धीरे, ताकि अच्छे सा एक लुक हो जाए। देन उसके बाद जो भी फॉल आउट हुआ है उसको ब्रश की हेल्प से क्लीन कर लेना है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का ब्रिक्स हाइलाइटर अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के लिए। तो इसमें से मैंने एक हाइलाइटिंग शेड ले लिया है, देन अपनी ब्राउ बोन पर प्लेस कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं अपनी ब्राउ बोन को हाईलाइट कर रही हूँ काफ़ी अच्छे तरीके से। गाइज हाईलाइट करने के बाद ये एरिया आपका काफ़ी क्लीन दिखता है एंड काफ़ी सुंदर लगता है। देन उसके बाद स्टेक वर्की का ब्लश अप्लाई करूँगी मैं अपने चिक्स पर। हल्का सा पीची शेड है एंड काफ़ी मैट फिनिश देता है, इसमें चंकी पार्टिकल्स बिल्कुल भी नहीं है, शिमरी भी नहीं है, एंड मुझे मैट ही चाहिए था, मैंने अप्लाई कर लिया है। देन उसके बाद ये ब्लू हेवन का लाइनर अप्लाई कर रही हूँ, हल्का सा विंग क्रिएट करूँगी मैं। सो गाइस देख सकते हैं मैंने लाइनर लगा लिया। देन उसके बाद ये मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ ब्लू हेवन का, ये काफ़ी अच्छा मस्कारा है एंड काफ़ी अफोर्डेबल है। अपर लाइन पर अप्लाई करने के बाद देन वाटर लाइन पर भी मैं अप्लाई कर ले रही हूँ अच्छे तरीके से, देख सकते हैं मैंने मश्कारा को अप्लाई कर लिया है। देन उसके बाद एक पीच पिंक सा शेड है लिपस्टिक का, वो अप्लाई कर ले रही हूँ अपने लिप्स पर, एंड काफ़ी अच्छा ये कलर है, बहुत ही सुंदर लग रहा था लगने के बाद। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने अपने लिप्स पर अप्लाई कर लिया है। देन उसके बाद ये झुमके हैं जो कि मैंने पहन लिए हैं। देन उसके बाद एक क्यूट सा हेयर स्टाइल क्रिएट कर लिया है पिनअप कर कर, ये आप भी कर सकते हैं घर में, बहुत ही ईजी है एंड बहुत सुंदर लग रहा था, सूट पर भी सूट कर रहा था। तो देख सकते हैं ये कंप्लीट लुक है गाइस, एंड काफ़ी सुंदर लग रहा था किया हुआ मेकअप। एंड देन उसके बाद सेकंड हेयर स्टाइल के लिए दूसरी तरफ भी हेयर को ट्विस्ट करके क्लिप कर लेना है अच्छे तरीके से, ताकि खुले नहीं आपके बाल। देन उसके बाद वन साइडेड ब्रेड बनानी है, तो मैंने ये वन साइडेड ब्रेड बना दी है, देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छे तरीके से। इससे क्या होगा कि आपके इयररिंग्स जो भी ज्वेलरी आपने पहनी है वो दिखेगा, तो देख सकते हैं आप काफ़ी क्यूट सा लुक आपको देखने को मिल रहा है। सो गाइज होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड जो भी आपका फीडबैक है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर करिए। सो गाइज बाय गाइज़।